सर बचा ले इसका। हाँ हाँ कोई नहीं, ये सेंटीमीटर नहीं है, तो थोड़ा सा इधर सर। चलो इसको पकड़ो, चलो आराम से बैठ जाओ। आराम इसको यही रखो, अरे इसको तो वहां रखवा सीढ़ी पे। शाबाश शाबाश ऊपर उठा। सर ये जिंदा है, ऊपर सीढ़ी पे बैठो। मैंने भाई सुबह में 4 बजे मुझे फोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आग लगी हुई है, हम लोग निकल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। मैं बोला भाई देखा ना, मुझे आधा घंटा लग जाएगा, जब तक तू तो अपना कैसे भी करके तू वहाँ से कम आ जा, बाहर आ जाएगा तो कोई ना कोई मदद मिल जाएगा तुझे। वो बोला ठीक है भैया, हम कोशिश करते हैं। उतने में हम लोग जब वहाँ से आ गए तो आधे घंटे के बाद आए तो देखे आग बहुत ज़्यादा तगड़ा, मतलब पूरा बिल्डिंग में आग फैल चुका था नीचे से ऊपर तक। फिर भी हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद देखें तो एक दो वहाँ पे मिला मुझे बॉडी, तो उसको मैंने उठा के लाया तो सब जिंदा था, सांस चल रहे थे, सबके पेट फूले हुए थे सांस, उसके वजह से धुआं की वजह से पेट बहुत ज़्यादा फूले हुए थे। तो मैं उन लोग को उठा के लेके आया। उसके बाद मैं अपने भाई को ढूंढने लगा, तो पुलिस वाला मुझे बोला कि तुम्हारा भाई कैसा था, लंबा था, चौड़ा था, छोटा था। हम बोला हाँ, बोला अभी नीचे लेके चला गया, उसे चाहिए, जिंदा है। मैं थोड़ा दिल में तसल्ली आया, मैं चला आया वहाँ से। उसके बाद बोला जाके तुझे ढूंढना है तो जाके हॉस्पिटल में ढूंढो, सब मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर जब यहाँ आए तो 4-5 हॉस्पिटल में चक्कर काटने के बाद एक हॉस्पिटल में एक पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, वो बेचारा बोला कि चलो मैं तुम्हें हर जगह दिखाता हूँ, जो तुम्हारा भाई होगा पहचान लेना। वो घायल में भी दिखाया और मुर्दा घर में दिखाया। मैंने देखा मेरा भाई मुर्दा घर में लेटा पड़ा हुआ था, मेरा भाई लेटा पड़ा था। अब मैं यही तो चाहता हूँ कि बस मेरे भाई को कैसे भी मेरे माँ बाप का शक्ल दिखा दे, मेरा भाई मेरे माँ बाप को याद है पहुँच जाए बस। जो जानने वाले हमारे धोखा तो खबर मिलेगी हॉस्पिटल में, सही सलामत है, मतलब थोड़ा सा इंजर्ड हुआ, बाकी 2-3 जो है हमारे जो कज़न हैं उनका अभी तक पता नहीं। एक बच्चा था वो पढ़ता था, भाई लगेगा, वो मिल नहीं रहा, वो तकरीबन 10 साल का लड़का था। सबसे ज़्यादा अफसोस अगर हो रही है तो उसी बात की है कि वो बच्चा अभी मिल नहीं रहा। ये करीब अंदाजा 600 मतलब गज की बिल्डिंग थी, नीचे इसमें 2 बेसमेंट थे ग्राउंड मतलब, और उसके ऊपर पहली मंजिल से 4-4 शायद हॉल था, 4 हॉल इधर 4 हॉल इधर थे, इस तरह करके 3 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई थी, और एक हॉल में 25-30-20 जिस तरह करके कारीगर काम करते थे। ऐसा कई बिल्डिंग हैं जो पब्लिक सो जाने के बाद लेबर मजदूर ताला मार दिया जाता है उसमें, सट के अगर किसी का रूम है, छत है, तो दूसरे छत से बाहर निकल सकता है, नहीं तो उसी में जल जाएगा। पुरानी दिल्ली का तो यही हाल है, नीचे फैक्ट्री है और ऊपर रिहाइश है, मिक्स यूज लैंड है यहाँ पे। जो मेरा चाचा का लड़का है वो लोग मिला था, वो बोला है कि हम लोग उसका खैरियत पूछेंगे, तुम लोग बचे कि नहीं, तो बोला कि हम लोग बच गए, लेकिन हम लोग वो लास्ट फ्लोर पे था ना, तो वो लोग बोला कि हम लोग एक अपने छत से दूसरे छत पे भाग गए, तब हम लोग दूसरे छत पे भाग के और दूसरा जीना से उतर के बाहर निकल गया हूँ। बाकी जो उसके नीचे वाला रूम में आग लगा था उसमें का बोल रहा था कि जो एक दोस्त मेरा देखा जो सामने बिल्कुल रहता कह रहा कि लाश निकालते देखो उसमें, ये आग जो लग रहा है ना प्लास्टिक की वजह से लग रहा है, और उसका बास भी ऐसा है ना कि आप 10 मिनट नहीं सुन सकते, आप मर जाओगे। हम लोगों ने आज न्यूज़ में पढ़ा कि 43 लोग मारे गए हैं, लेकिन यहाँ पर बात करने पर क्या पता चल रहा है कि मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह से फैक्ट्री के अंदर आग लगती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पूरी तरह से लेबर लॉस की धज्जी उड़ा करके रख दी जाएगी, वर्कर्स के लिविंग कंडीशन के ऊपर कोई बात नहीं होगी, ये चलता रहेगा, ये सवाल के ऊपर लेकर के सरकार का कोई जवाबदेही होगा कि? ये तो बहुत दुखद घटना है, ये समझ लीजिए कि ये मैंने अपनी लाइफ में पूरी लाइफ में इतनी बड़ी घटना नहीं देखा जो ये आज मैंने देखा। इसकी आग की लपेटें ऐसी थी कि आप ठहर नहीं सकते, 2 मिनट भी आप जा नहीं सकते थे वहाँ। मोदी सरकार ने, केजरीवाल ने तमाम तरह के अनाउंसमेंट किए कि हम इतना पैसा देंगे, लेकिन सवाल ये है, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी सवाल है कि मजदूर के जान की आखिर कोई कीमत है कि नहीं, उसके लेबर की कोई डिग्निटी है कि नहीं।